जब दो मित्र किसी बात पर बहस करते हैं, जब बहस में सोच नहीं मिलता है, तब एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, तेरा नजरिया ठीक नहीं है। इस वीडियो में हम अपने कहानी का शीर्षक नजरिया क्यों जरूरी है अच्छे जीवन पाने के लिए सुनेंगे। नजरिया बहुत ही अहम भूमिका निभाता है एक व्यक्ति की जिंदगी में। अहम चीज हमारी अच्छाइयाँ है, हमारी अच्छाइयों की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है, वही हमें सफलता दिलाता है। इंसान अपना नजरिया बदल कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। दोस्तों यह लाइन याद कर लो, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है हमें, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नजरिया सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरियों के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरियों के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र कोई भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान हमें हमारे नजरियों को मजबूत बनाने पर देना चाहिए। दोस्तों एक उदाहरण से समझते हैं कि एक अच्छा नज़रिया क्यों जरूरी है और ये कैसे काम करता है। हर इंसान का नज़रिया अलग अलग होता है। कहते हैं ना, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे मानकर चलते हैं, कोई औरत सामने खड़ी है और उसे उसकी लड़की देखेगी तो उस लड़की को उस औरत में उसकी माँ नज़र आएगी। अगर उस औरत का पति औरत को देखेगा तो उसे उसकी पत्नी नज़र आएगी, और अगर उस औरत को उसकी बहन देखेगी तो उस औरत में उसे उसकी बहन नज़र आएगी। क्योंकि हर इंसान का उस औरत के प्रति नज़रिया अलग होगा। औरत तो एक ही है, लेकिन देखने वाले हर इंसान का नज़रिया अलग अलग होता है। अगर हमें सफलता पाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो एक सही नज़रिया रखना होगा। दोस्तों यह लाइन याद कर लो, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, अगर मन में हो विश्वास तो पत्थर से भी जल निकलेगा। तो जो भी काम हम करते हैं उसे पूरा विश्वास और सही नज़रिए से करना बहुत जरूरी है। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, हमें अपने सपने के लिए खुद को मेहनत करनी होगी। पूरी दुनिया से लड़के भी अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा।